हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग, ठीक है। तो जिसने भी देखो ऑडिटिंग है, हम इससे पहले दो चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे प्रमाणन वाउचिंग। अभी प्रमाणन क्या होता है, यहाँ से तो आप एक क्वेश्चन 100% मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल थोड़े से कंसेप्ट है, इनको समझेंगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छा स्ट्रांगली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑडिटिंग वाला सेक्शन है, हम जनरली जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता TRA, व्हाट इज TRA। TRA होता है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट आप सभी को पता है। और इसके अलावा अगर आपके ऑडिटिंग का सेक्शन कहीं है जूनियर अकाउंटेंट के अलावा, मतलब कोई और एग्जाम दे रहे हैं, है ना, और वहाँ पे आपसे ऑडिटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी ये समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो इनको आप पूरा देखिए, साथ में आपसे MCQ पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर आप देने का ट्राई करिएगा, ठीक है। आ जाइए, चलते हैं लेक्चर पर। देखिए, प्रमाणन का अर्थ व परिभाषा। तो अब जो प्रमाणन है उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस थिंकर ने क्या कहा है, क्योंकि प्रमाणन वाउचिंग में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी के कोटेशन पूछ लेगा, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोफेसर डी पॉला ने क्या कहा था, ठीक है। तो उनके अनुसार प्रमाणन को रीढ़ की हड्डी कहा गया था, ठीक है। इस तरह के जो पॉइंट्स है ना, वो आपको याद रखने चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाइए, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, अंकेशन करवाने का मुख्य उद्देश्य खातों पर अंकेशक के द्वारा राय की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो जो खाते हैं उससे, उस पर क्या है, अंकेशन अपनी राय प्रस्तुत करता है, जो भी उसकी क्या होता है, इंडिपेंडेंट राय होती है, ठीक है, ऑडिटर की। तो वो प्रमाणन की जांच करता है और उसके बाद चेक करता है, और उसके बाद में वो अपनी राय देता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये किसका काम है, ऑडिटर का। तो राय की अभिव्यक्ति प्रकट करना है किसका काम, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए प्रमाणिक या लिखित साक्ष्य के द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज समस्त व्यवहारों की शुद्धता एंड प्राथमिकता की संपूर्ण जांच की जाती है। ये कार्य क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है, प्रमाणन कहलाता है। अभी कैसे कहलाएगा, काफ़ी बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा, तो आप इसको ऐसे समझिए। देखो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं किसी कंपनी की, ठीक है। ये बुक्स हो गई कंपनी की, इसमें ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, डाटा लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स है। अब ये जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, ठीक है। अब फर्नीचर 5,000 का खरीदा है, तो भाई इसको क्या पता फर्नीचर खरीदा 5 का ही खरीदा है कि 4 का खरीदा है। तो इसके लिए फर्नीचर जब खरीदा होगा, तो इनको इन्होंने एक बिल मिला होगा, है ना, उसने कंपनी ने बिल दिया होगा, और ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन लिखा होगा, फर्नीचर की कीमत होगी यहाँ पर 5,000 रुपये, टोटल मिला के 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो बिल है, इसको प्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, कंपनी का जो कंपनी, जिसकी कंपनी है, वो क्या बोलेगा कि भाई देखो ये रहा बिल, और इससे मैंने ये फर्नीचर खरीदा था, तो इसकी सत्यता की जांच हो गई ना, बिल होगा तभी तो होगा। तो जो जो आपके पास में एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही सब क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं, वाउचिंग कहलाते हैं। जो भी आपके रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स में, जो भी आपके रिकॉर्ड्स में जो ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, उनको क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस इनको क्या कहा गया, वाउचर्स कहा गया। अब आ जाइए प्रमाणन को अंकेशन का आवश्यक अंग, ठीक है। अंकेशन की नींव, अंकेशन का सार, है ना, आवश्यक अंग है, एक ऑर्गन है, नींव है, फाउंडेशन है, ठीक है, सार है, बेस है, ठीक है। अंकेशन का आधारभूत कार्य है, अंकेशन की आत्मा है, ठीक है। अंकेशन की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रमाणन को कहा जाता है। तो प्रमाणन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यार इसी से तो पता चल रहा है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो वैलिड हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर किए होंगे तो उनका बिल होगा, नहीं किए होंगे तो उनका बिल नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर देखिए, अब प्रोफेसर डी पॉला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोफेसर डी पॉला ने क्या कहा है। प्रोफेसर डी पॉला के अनुसार प्रमाणन अंकेशन का अवश्य अंग है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अंकेशन का कार्य कितना सफल होगा, उसके प्रमाणन वाउचर्स की जांच पर निर्भर करता है, ठीक है। अंकेशन ने वाउचर्स को कितने अच्छे से जांचा है, उसी पे ही डिपेंड करता है कि भाई जो उसकी ऑडिटिंग है वो कितनी प्रभावशाली होगी। तो प्रोफेसर डी पॉला ने क्या कहा, अवश्य अंग बताया और रीढ़ की हड्डी बताई इसको, वाउचिंग को, ठीक है, ऑडिटिंग के। आर्थर डब्ल्यू होम्स के अनुसार
ठीक है। आर्थर डब्ल्यू होम्स भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख सकते हैं। उनके अनुसार क्या है, प्रमाणन उन सबूतों सबूत, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सबूत या प्रमाणों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। तो आर्थर डब्ल्यू होम्स ने प्रमाणन को क्या कहा है, सबूत बताया, सबूत, ठीक है, एविडेंस बोला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो हर किसी का एक एक टर्म याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जे आर बाल्टी बॉय, ठीक है, जे आर बाल्टी बॉय ने क्या कहा कि प्रारंभिक लेखों पुस्तकों में लिखे जाने वाली मदों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा, जांच, टेस्ट की बात कर रहे हैं जे आर बाल्टी बॉय, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आयरिस के अनुसार, आयरिस ने क्या कहा, प्रमाणक एक तकनीकी शब्द है, ये टेक्निक बताया उन्होंने, ठीक है, प्रमाणक को क्या बताया, तकनीकी शब्द बताया, जिसका आशय ऐसे पत्रों की जांच से है जो एक लेन देन के समर्थन करने वाले तथा ठीक बताने वाले सबूत माने जाते हैं। तो इसको क्या है, टेक्निकल शब्द कहा, किसने कहा प्रमाणन को, आयरिस ने कहा। आर जी विलियम्स, ठीक है, आर जी विलियम्स के अनुसार प्रमाणन अवश्य केवल रसीद और अन्य पत्रों की जांच करने तथा रोकड़ पुस्तक जो कैश बुक्स होती है ना, उनकी प्रविष्टियों से उन रसीदों का मिलान करने से नहीं, बल्कि प्रविष्टियों के सही सत्य होने के संबंध में समस्त प्रलेखीय साक्ष्य से भी हैं जो पत्र के आधार पर किए जाते हैं। आर के मार्टर्स है ना, मार्च के अनुसार प्रविष्टियों के समर्थन में पपत्रिक सबूतों की जांच से प्राय प्रमाणन कहा जाता है, ठीक है। तो वो ऊपर के दो तीन तो आपको अच्छे से याद रखने, बाकी आप सुन लीजिए। आर के मार्च के अनुसार, ये हमने पीछे देख लिया, ठीक है। जोसेफ लंकस्टर के अनुसार साधारणतः ये समझा जाता है कि प्रमाणन भाइयों के लेखे प्रमाणकों अथवा लेखे साक्षकों की जांच करना है। यद्यपि यह गलत विचार है, क्योंकि प्रमाणन का आशय खातों की प्रविष्टि की इस प्रकार जांच करना है जिससे अंकेशन संतुष्टि हो जाए कि ना केवल लेखा प्रमाणकों के आधार पर किया गया है अपितु खाता भाइयों में ठीक से किया भी गया है। क्योंकि देखो जो प्रमाणन है वाउचर्स है, उनसे देखकर ही रिकॉर्डिंग करी गई है या फिर उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग करी गई है, इसका पता लगाना मतलब इसको वेरीफाई करने का काम ही ऑडिटर का होता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या है, सेटिस्फाई होना चाहिए कि भैया जो प्रमाणन है वाउचर्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपने खाता भाइयों में एंट्री करी है, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रमाणन का अर्थ लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई प्रविष्टियों की जांच उन प्रलेखों प्रमाणकों वाउचर्स के आधार पर करना जिनके आधार पर उन्होंने लेखा पुस्तक में दर्ज किया जाता है गया है ना। प्रमाणन वाउचिंग, प्रमाण को सिद्ध करना वाउचिंग ना केवल लेन देन की प्रलेखी साक्ष्य सत्यता की जाँच करने की एक तकनीक है अपितु इसमें लिखित सबूत, ठीक है, ये क्या है, एविडेंस का काम करते हैं। जो प्रमाणन है ना वाउचर से, एक तरीके से लिखित सबूत भी हैं जिससे ये पता चलता है कि भैया ये ट्रांजेक्शन वाकई में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और ये या विश्वसनीय हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये अधिकृत हैं अनाधिकृत हैं, कोई किसी ने फेक तो नहीं बना दिए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की मतलब कंबाइंडली जाँच करना कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखो या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं है, अधिकृत है या नहीं है, संस्था या व्यवसाय से संबंधित है या नहीं, इसकी भी जांच करना शामिल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो प्रमाणन के ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वाउचिंग के, लेखों की शुद्धता, जो भी आपके अकाउंट्स हैं जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उसकी क्या शुद्धता सत्यता इसकी बारे में पता चल जाता है एक तो, ठीक है, प्रमाणित करना लेन देन की दर्ज किया जाता है या नहीं, व्यवसाय से संबंधित है या नहीं, लेन देन अधिकृत है या नहीं, ऑथराइज्ड पर्सन के हस्ताक्षर साक्ष्य लिखित सबूत या नहीं, लिखित साक्ष्य वैध है या नहीं, ये सारी चीज़ें, अगर कोई कपट हुआ है ना, कोई अशुद्धि रह गई है तो उन सब का भी प्रभाव इसमें मतलब दिख जाता है, इनसे पता चल जाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग क्या है कि सत्यता का पता लगाना, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी सत्यता आपको वाउचर से पता चल जाती है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से प्रमाणक, ठीक है, वाउचर से स्टार्ट होते हैं। देखो प्रमाणक वाउचर वे परिपत्र साक्ष्य होते हैं जो लेखा पुस्तकों जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज प्रविष्टि की सत्यता को सिद्ध करता है। तो हमें क्या है, जो भी मतलब मैंने, जैसे मान लीजिए आप हो, आपने क्या हुआ एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, आईफोन खरीदा और आपने उसका बिल ही नहीं लिया, तो भाई अब आप उसके लीगल ओनर हो या नहीं कैसे पता चलेगा, आपके पास बिल ही नहीं है, तो आपके पास बिल भी तो होना चाहिए ना, तो ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेखा पुस्तकों की सत्यता पता चल जाती है, भैया इसने ये चीज़ इस तारीख को खरीदी थी, ये वैलिड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेखा पुस्तकों में प्रत्येक प्रविष्टि एंट्री के पीछे कोई ना कोई लिखित सबूत साक्ष्य जरूर होता है, यही प्रमाणन वाउचर कहलाता है, ठीक है। जोसेफ लंकस्टर के अनुसार
प्रमाणक एक परिपत्र गवाह है, ठीक है, गवाह के रूप में जो लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच हेतु काम में लिया जाता है, जैसे क्रय विक्रय, कोई माल खरीदा है या बेचा है, बीजक, बैंक में धनराशि जमा करवाने व आहरित करने की रसीद हो गई, अनुबंध समझौते से संबंधित कोई परिपत्र हो गया, पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं, इन सबको वाउचर्स कहा जाता है। जो भी ऑथेंटिकेट करे आपके ट्रांजेक्शन को वो सब क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर आयरिस के अनुसार, प्रोफेसर आयरिस ने क्या कहा, प्रमाणक एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, ठीक है, एक मांग पत्र या किसी भी लिखित रूप में किए गए व्यवहार का पत्र प्रमाणक कहलाता है। ये सारी चीज़ें देखो सेम बातें ही कर रहे हैं, परंतु क्या हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस वाउचर्स दिया हुआ है तो हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, हम सिर्फ टाइम पास वाले हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी जाने। अब देखो इसमें क्या है, आर्मिटेज बनाम बीवर एंड नॉट्स केस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अंकेक्षण का प्रमाणन कार्य उचित सावधानी वे चतुराई से करना चाहिए, ठीक है, और अंकेक्षण ने जो ऑडिटर है अगर अपने कार्य को उचित सावधानी वे चतुराई से नहीं किया है, है ना, वाउचर्स को सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया, तो उसे लापरवाही भंग का दोषी माना जा सकता है, ठीक है, उसे लापरवाही भंग का दोषी माना जा सकता है, मतलब उसने अपने काम को ईमानदारी पूर्ण निष्ठापूर्ण नहीं किया है, तो उस पर क्या है, केस भी चलाया जा सकता है, ठीक है। कौन सा केस हो गया, आर्मिटेज बनाम बीवर एंड नॉट केस में एक आ गया, लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा अगर उसने प्रमाणन जो वाउचर्स हैं उनको बहुत उचित सावधानी चतुराई से उनकी ऑडिटिंग नहीं करी है ना, उनका ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। प्रमाणन का कार्य ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो जो वाउचिंग का कार्य है वो कौन करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑडिट क्लर्कों के द्वारा वाउचिंग की जाती है। प्रमाणन में हमेशा नैतिक जांच को शामिल किया जाता है। अब नैतिक जांच क्या होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें जैसे जोड़ घटाव है ना, कोई एंट्री है यहाँ से उधर, इधर से उधर ले जाना, शिफ्ट करना आगे तलपट में, उसको एंटर करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नैतिक जांच में आती हैं। नैतिक जांच में प्रमाणन नहीं, अर्थात प्रमाणन एक व्यापक शब्द है, तो प्रमाणन एक वाउचर, मतलब एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर नैतिक जांच आती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सत्यापन में हमेशा प्रमाणन शामिल होता है, जब भी आप क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं किसी चीज़ को, वेरीफाई करते हैं, तो उसके अंदर प्रमाणन आ जाएगा, जबकि प्रमाणन से कहीं ज़्यादा व्यापक शब्द क्या हो गया, सत्यापन हो गया, वाउचर्स तो एक पॉइंट हो गया है ना उस, और सत्यापन के अंदर वाउचर्स आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वाइडर टर्म कौन सी है, वाइडर मतलब लार्ज टर्म, बड़ी टर्म कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को ध्यान रखना। एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे तो आप उसका आंसर देने की कैपेसिटी रखें, इसलिए इतना डेप्थ में जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नहीं अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि नहीं अच्छे लग रहे हैं सर बंद कर दो, ठीक है। अंकेक्षण कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रमाणन का कार्य कितना प्रभावपूर्ण तरीके से किया गया है। प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, किसने कहा, डी पोला ने कहा, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग बताया, रीढ़ की हड्डी बताई डी पोला ने, पन्ने पीछे पढ़ा था, ठीक है। नैतिक जांच रूटीन चेक संस्था के कर्मचारी द्वारा किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वाउचिंग के कौन कर रहा है, वाउचर कर रहे हैं ऑडिटर क्लर्क्स, ठीक है, और नैतिक जांच कौन कर रहे हैं, संस्था के कर्मचारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऑडिटिंग का काम, वो वाउचिंग का काम कौन कर रहा है, वाउचिंग का कार्य किया जाता है ऑडिट क्लर्कों के द्वारा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर दिया है मैंने, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लें, रिवीजन करते समय काम आएंगे। प्रमाणन वाउचिंग अंकेक्षण के सहायकों द्वारा, ठीक है, और जो वाउचिंग होता है ये तो वही वही ऊपर जो अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, अंकेक्षण के सहायकों के द्वारा, और सत्यापन वेरिफिकेशन वरिष्ठ अंकेक्षकों द्वारा, ठीक है, मैं थोड़ा रेड पेन से कर देता हूँ इसको, जिससे आपको ये ध्यान रहे, एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको, दूसरा ये याद रखना है, और तीसरा ये याद रखना है, ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखना है कि सत्यापन वेरिफिकेशन कौन करता है, वरिष्ठ अंकेक्षकों द्वारा, जो सीनियर ऑडिटर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो प्रमाणकों की जाँच करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, पहला कौन सा, संस्था का नाम, चिन्ह जो भी जो उनके लोगों हैं अंकित करना, ठीक है, उचित फाइल क्रमानुसार प्रमाणक, अधिकृतता की जांच, ठीक है, उचित तिथि हस्ताक्षर, रसीद टिकट की जांच। देखो जो प्रमाणन है वाउचर्स हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी और संस्था का वाउचर है, या आपके सामने एक वाउचर आया, ठीक है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड
महिंद्रा की फाइनेंस का वाउचर है, और जबकि ऑडिटिंग आप कर रहे हो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जैसे ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं उसकी ऑडिटिंग करने गए हो और ये फाइनेंस वाला वाउचर आ गया, तो इसलिए संस्था का नाम पूरा प्रॉपर अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चिन्ह अंकित करना, उचित फाइल क्रमानुसार वाउचर, अधिकृतता की जांच, है ना, वैलिडिटी उसकी जो भी है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, नकली तो नहीं है, है ना। उचित तिथि है, जो डेट है वो सही डेट है, मान लीजिए आपने डेट पढ़ी, आप अभी ऑडिटिंग कर रहे हो 2023 की, ठीक है, और वहाँ पे है जो आप वाउचर आ गए आपके पास में 2021 वाले, अब बताओ ये 2021 वाला वाउचर 2023 वाले में जोड़ दिया है तो ये सही है क्या, गलत है ना, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तो यहाँ पर राशि अंकों में शब्दों में प्रमाणकों की सूची, व्यवसाय से संबंधित है या नहीं जांच करना चाहिए, सहायक गौण प्रमाणकों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे क्या होगा, आप बाद में जब भी मैं इसकी PPT बनाऊंगा तो वहाँ पे इनको ध्यान रख सकें कि भैया इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन करते समय इनका टाइम वेस्ट, मतलब इसमें टाइम वेस्ट ना हो स्पेस पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान रहे, यदि प्रमाणक की राशि 5,000 रुपये से अधिक है तो उस पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपके जो वाउचर्स हैं जो प्रमाणक हैं उनकी राशि अगर 5,000 रुपये से अधिक है, ठीक है, ज़्यादा है, तो उस पर आगम टिकट, कौन सी टिकट, आगम टिकट लगा हुआ होना आवश्यक है। वह प्रमाणक कटा फुटा हो या उस पर रकम कटी हुई हो तो उस पर जो अधिकृत व्यक्ति होगा, ऑथराइज्ड पर्सन होगा, वो उस पर क्या करेगा, दोबारा से साइन करेगा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए रोकड़बाही है ना, कैश बुक की बात कर रहा है कि जो रोकड़बाही की प्राप्ति पक्ष से संबंधित मदे, ठीक है, प्राप्ति मतलब रिसीव्ड, जैसे मान लीजिए आपके पास में कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो वाउचर्स होंगे उनको क्या क्या बोला जाता है। भैया देखो जो भी कैश रिसीव होगा तो वो आप अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई नकद बिक्री करी है, कैश सेल करी है, तो कैश सेल से क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। अब उससे रिलेटेड जितने भी पत्र होंगे, विवरण होंगे, कोई कच्ची रसीद होगी, कोई कैश मेमो होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, वाउचर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, रसीद है ना, कोई पत्र हो गया, कोई विवरण पत्र हो गया, कच्ची रोकड़ बाही हो गया, कैश मेमो हो गया, रसीद हो गई, हिसाब किताब विवरण के पत्र व्यवहार हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सभी में कॉमन रहेंगी। जैसे मान लीजिए देनदार से प्राप्त रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से, तो आपने उसको कोई रसीद दी होगी, कोई नकल होगा, है ना, कोई विवरण व्यवहार पत्र होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, वाउचर्स कहलाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, है ना। तो नकद कैश सेल्स हो गई, यहाँ से पैसा आएगा, देनदारों से प्राप्त मतलब प्राप्त रकम जो भी कैश आएगा तो उसकी रिसीप्ट हो गई, प्राप्य बिल से प्राप्त रकम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन BR, ठीक है, बिल रिसीवेबल, जैसे कि बिल ये कौन से होंगे, बिल बही, बिल पट्टा पुस्तक, जमा स्लिप, बैंक पासबुक हो सकती है इसके अंदर, विनियोग से आए, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके कोई खाते, कोई बीजक की प्राप्ति, रसीद, पासबुक, लाभांश, है ना, अधिपत्र हो गए, ऋण व बैंक पत्र जमा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक डिपॉजिट, आपने कोई बैंक में पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है, तो उसकी ऋण प्रसंविधे, रसीदों की प्रतिपण खाता, ऋण खाते, ठीक है, जो भी आपने लोन अकाउंट हो गए आपके, वो बैंक विवरण हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक पासबुक्स हो गई, तो इन सब से क्या है, पैसा आते हुए दिख रहा है आपको, है ना। रेंट रिसीव की कोई रिसीव हो गई या फिर कमीशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है, विनियोग की बिक्री, दलाल की बिक्री, नोट रसीदों की प्रतिपण हो गए, स्थायी संपत्ति की बिक्री, मध्यस्थता की बिक्री, विवरण रसीदें हो गई, ठीक है। आप प्राप्य ऋण जो लाभांश होता है, जो भी अभी तक आपने रिसीव नहीं करा उनसे रिलेटेड कोई दस्तावेज हो गए, कोई रसीदें हो गई, तो वो सारी अभी आपने रिसीव नहीं करा पर उनसे रिलेटेड भी तो है, आगे चल के तो रिसीव होगा इसलिए, ठीक है। ये किराया क्रय प्रसंविधों से प्राप्त रसीदें, किश्त, विक्रय पुस्तक इत्यादि, रोकड़ भाई के भुगतान पक्ष से संबंधित मदे, ठीक है। अब ये भुगतान पक्ष है, भुगतान पक्ष में क्या होगा, आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे आराम से, ठीक है।
आ जाओ यहाँ पर। एक सेकेंड, ठीक है थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, अब ये क्या है, ये कौन सी रसीदें हैं, रोकड़ भाई भुगतान पक्ष, ठीक है भुगतान। अभी तो क्या था, आपके पास में पेमेंट आ रहा था उससे रिलेटेड अपन देख रहे थे, जिसमें किराया क्रय प्रसंद प्राप्त रसीदें है ना, तो ये उनसे रिलेटेड जो भी रसीदें होंगी पेमेंट रिसीव करने से, वो सब हमारे वाउचर्स होंगे। अब यहाँ पर जो आप कैश रोकड़ जो पेमेंट करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रमाणक होंगे वाउचर्स होंगे वो भी सब क्या होंगे, पर यहाँ पर क्या होगा पेमेंट करने वाले होंगे। जैसे आपने कोई नकद क्रय किया, आपने कैश में कुछ परचेज कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप पैसा देंगे तो उसकी रसीदें, ठीक है समझ गए। कैश मेमो, माल आगम पुस्तकें, उचित अधिकारी से माल खरीदने की स्वीकृति हो गई, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आपने कोई लेनदारों को कोई भुगतान किया है उसकी रसीदें, विवरण, बीजक अन्य है ना, आपने कोई सैलरी पे करी है, वेतन पुस्तक, चेक का प्रतिपण, कार्यवाही पुस्तकें, नियुक्ति पत्र पर प्रसिद्ध है, तो ये सारी क्या हो गई, पेमेंट करने वाली रसीदें हो गई। यहाँ से आपको क्या होगा, पेमेंट आपकी जेब से जा रहा है, पर ये वाउचर्स का काम कर रही हैं आपके लिए, ठीक है। किस चीज़ का काम कर रही हैं, वाउचर्स का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मजदूरी दी है, कोई बिल ऑफ पेमेंट है ना, पेमेंट ऑफ बीपी हो गया, भूमि भवन आदि खरीदना, बेनामी, वकील का हिसाब हो गया, दलाल का हिसाब हो गया, तो ये क्या है, सारी ये पेमेंट कर रहे हैं, नीलामीकर्ता का नोट हो गया, ठीक है, ठेकेदार का बिल हो गया, रसीद हो गई, ये सारे पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लॉट मशीनरी की रसीदें, परचेज ऑन प्लांट एंड मशीनरीज हो गए, ऋण एवं ऋण पत्र पर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स आपको पेमेंट करनी पड़ रही है यहाँ पर, उससे रिलेटेड कोई रसीद हो गई, ब्याज अधिपत्र हो गए, कूपन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, आपके वाउचर्स कहलाएंगे, ठीक है। पर ये रिसीवेबल नहीं है, पेबल वाउचर्स हो गए, ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, समझौता है ना, ये सारे पैसे आप दे रहे हैं, कमीशन के पैसे दिए हैं आपने किसी को, बैंक चार्जेस के पैसे दिए हैं, उससे रिलेटेड कोई रिसीव हो गई, बिल रिसीवेबल डिसओनर हो गया, उसकी रसीदें हो गई, ठीक है। पेमेंट ऑन हायर परचेस एग्रीमेंट्स हो गए, सहायक भाइयों का प्रमाणन हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, ये सब वाउचर्स कहलाते हैं। वाउचर क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है, समझ गए। तो चाहे उससे आप पैसा रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, वो सारी। अब देखिए, सहायक भाइयाँ, सब्सिडरी बुक्स एवं उनसे संबंधित वाउचर्स, तो ये क्या होंगे, अभी तक तो अपन ने बिल रिसीव मतलब जो अपने पैसा आ रहा है उससे रिलेटेड वाउचर देखे, जो अपन पैसा दे रहे हैं उससे रिलेटेड वाउचर देख रहे हैं, अब अपन सब्सिडरी बुक्स के वाउचर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे वाउचिंग ऑन परचेज बुक्स, ठीक है, बीजक, माल आगम पुस्तकें, आदेशी प्रतिलिपि, चालान, मतलब कोई माल प्राप्ति का नोट है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, सब्सिडरी बुक्स के अंदर आ रहे हैं। ये भी क्या है, वाउचर्स ही हैं। वाउचिंग ऑन परचेज ऑफ परचेज रिटर्न हो गया, वाउचिंग ऑफ सेल बुक हो गया, वाउचिंग ऑफ सेल रिटर्न बुक्स हो गए, ठीक है, वाउचिंग ऑफ बीआर बुक्स हो गई, वाउचिंग ऑफ बीपी बुक्स हो गई, तो ये सारे क्या हैं, ये भी सब वाउचर्स हैं। एक ऑडिटर को इन सब की जब ऑडिटिंग करता है तो इन सब की गहन जांच करनी चाहिए कि भैया ये इनके वाउचर्स रियली में अवेलेबल भी हैं और इनकी एंट्री सही हो भी रखी है या नहीं हो रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपना क्या है, चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। अब जाते जाते करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अंकेशन की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी, और आपको क्या बताना है कि इसके मतलब जो इनके थिंकर थे उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। ये अंकेशक की रीढ़ की हड्डी किसने कहा था, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है कि अंकेशन की रीढ़ की हड्डी है तो क्या है, सत्यापन है, आंतरिक नियंत्रण है, अनुसंधान है मतलब रिसर्च, ठीक है। यार ये सही नहीं लिखा जाता, पेन से वापस से काट के लिख देता हूँ, रिसर्च, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख ले। रिसर्च, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, लिख ही देता हूँ री, ठीक है, रिसर्च और प्रमाणन, ठीक है, प्रमाणन होता है वाउचिंग वाउचर्स, इनकी बात कर रहा है। तो बताइए, अंकेशन की रीढ़ की हड्डी इनमें से क्या है, सत्यापन है मतलब वेरिफिकेशन है, आंतरिक कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, या प्रमाणन वाउचिंग की बात कर रहा है, वाउचर्स की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जाने से पहले। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर एक हो गया वो, इनके ऐसे ही आंसर देने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। सभी आय जितनी भी इनकम है वे हैं एक्सपेंसेस हैं, खातों के संतुलन का प्रमाणन शेष प्रमाणन के रूप में जाना जाता है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम TRA एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए अव्यक्तिक खाता बही रोकड़ या बिक्री। अब ये बोल रहा है सभी जो भी जितनी भी इनकम है जितने भी एक्सपेंसेस हैं खातों से संतुलन का प्रमाणन शेष जो वाउचिंग रिमेन्स होता है रिजल्ट होते हैं ठीक है, प्रमाणन शेष प्रमाणन के रूप में जाना जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड व्यक्तिगत खाताबाही है, अव्यक्तिगत खाताबाही है, रोकड़ है या बिक्री है, बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी है पर जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम TRA एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए ठीक है, और आपके कोई भी सजेशन हैं आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ भी सकते हैं ठीक है। चलो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 में, ओके।